हेलो, आई एम मिस्टर दिलीप कुमार पाल, डबल गोल्ड मेडलिस्ट इन पॉलिटिकल साइंस, वर्किंग एज रीडर इन बेलपार जूनियर कॉलेज इन द डिस्ट्रिक्ट झारसुगुड़ा ऑफ उड़ीसा, इनवाइट्स प्लस टू सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स टू द सेकेंड चैप्टर ऑफ द सेकेंड यूनिट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. इन द सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस इन द सेकेंड चैप्टर ऑफ द सेकेंड यूनिट देर आर टू क्वेश्चंस. वन इज कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द रूरल गवर्नमेंट्स विच स्पेशल रेफरेंस टू ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, एंड कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द अर्बन गवर्नमेंट्स विथ ए स्पेशल रेफरेंस टू कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी एंड एनएसए नोटिफाइड एरिया काउंसिल. सो दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ द सेकेंड यूनिट, एंड इन दिस सेकेंड चैप्टर ऑफ सेकेंड यूनिट विल डिस्कस only short notes as many as 15 and as many as 30 objectives. Okay, so in this video we'll discuss only short notes as many as 15 and 30 objectives, about 30 objectives of the second chapter of the second unit. Okay, very good. आजर भिडियो आम देखा प्लस टू सेकेंड इयर राजनीति विज्ञान शास्त्र द्वितीय यूनिट्र द्वितीय विषय जोटार कि दुईटा प्रश्न अच्छे ग्रामांचल सरकार गठन एवं कार्य एवं सहरांचल सरकार गुड़िकर गठन एवं कार्य. ग्रामांचल सरकार गुड़िकर मध्य आसला ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद, एवं सहरांचल सरकार मध्य आसला निगम, इंग्लीश रे कोजे कॉर्पोरेशन, पौरपालिका इंग्लीश रे कोजे म्युनिसिपैलिटी एवं विज्ञापित परिषद इंग्लीश रे कोजे एनएससी. ताले आमे आज ग्रामांचल सरकार, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, सहरांचल सरकार, निगम, पौरपालिका एवं विज्ञापित परिषद केवल आम देखा शॉर्ट नोट्स एवं ऑब्जेक्ट्स. ओके, आरंभ करिबा. वेरी गुड. ताले प्रथम शॉर्ट नोट्स आम देखा त्रिस्तरीय व्यवस्था का कहा जाए. त्रिस्तरीय व्यवस्था का कहा जाए. त्रिस्तरीय व्यवस्था अर्थ है ग्राम स्तर रे, ग्राम स्तर रे ग्राम पंचायत रहइबो, ब्लॉक स्तर रे जीपी, ब्लॉक स्तर रे पंचायत समिति रहइबो पीएस, एवं जिला स्तर रे जिला परिषद रहइबो. ओके, ताले ग्रामांचल रे तीन प्रकार रो सरकार रहइबो. ग्राम स्तर रे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर रे पंचायत समिति, एवं जिला स्तर रे जिला परिषद रहइबो. ताले ग्रामांचल रो समस्या हबो समाधान. या को आदे त्रिस्तर व्यवस्था, या को पंचायत राज व्यवस्था मध्य कहा जाए. यह संपर्क किए कही 1956 रे जो बलवंत राय मेहटा कमिटी केंद्र सरकार नियुक्त करते कमिटी ये त्रिस्तरीय व्यवस्था संपर्क कही कमिटी निजुक्ति के 1956, यार रिपोर्ट केवे दिखाई 1958, ये कमिटी निजुक्ति केवे कराई 1956, ये कमिटी निजर रिपोर्ट के प्रदान कर 1958. आउ ए जो त्रिस्तरीय व्यवस्था भारत के राज्य प्रथम कार्यकारी है राजस्थान केवे 1969 मसीहा अक्टोबर 2, ओडिशा केवे 1961 मसीहा जनवरी 26 तारीख दिन ओडिशा होता कार्यकारी. ओके, वेरी गुड. इंग्लिश रे को थ्री टायर सिस्टम मीन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया, फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रूरल एरिया, three type of institutions must be constituted
in the rural area. In the village level, there must be gram panchayat. In the block level, there must be panchayat samiti. In the district level, there must be jilla parishad. If the three institutions will be created, then problems of the rural area will be solved. And this three tier system is known as panchayat raj system. And Balwant Raya Mehta committee, which was appointed in 1956 and which gave its report in 1958, told about this three tier system. And this three tier system was implemented for the first time in Rajasthan on 2nd October 1959, and in Odisha it was implemented on 26 January 1961. Okay, very good. This is the three tier system. Number two, composition of gram panchayat. Gram panchayat ra gathan kemiti hoch, gotiye gram panchayat ra gathan kemiti hoch. गोटे ग्राम पंचायत को विभिन्न वार्ड रे व्यक्त करा जाय थाए गोटे ग्राम पंचायत को विभिन्न वार्ड रे व्यक्त करा जाय थाए प्रत्येक वार्ड को पुलिस वा मध्यम कुआ जाय ए प्रत्येक वार्ड रो जनसाधारण निज मध्य रो गोटे प्रतिनिधि निर्वाचित करि थान ए प्रतिनिधि माने आसी ग्राम पंचायत गठन करि थान एवं ए ग्राम पंचायत रो जने अध्यक्ष थाए चेयरमैन ताकि सरपंच जे कि प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित एवं जन उपसरपंच था जहाँ कह जाए नायब सरपंच एनबी नायब सरपंच कह जाए वो उपसरपंच कह जाए ओके आउ सरपंच जब जन पुरुष हे उपसरपंच जन महिला हे आउ ये जो वार्ड बा पुलिस सभा कह जाए तार बैठक वर्ष को थे हुए फेब्रुआरी एवं सब वार्ड को मिसेदे कह जाए ग्राम सभा तार अधिवेशन प्रत्येक वर्ष फेब्रुआरी प्लस जून मास रे होइथाय एही परे भाबे हम ग्राम पंचायत गठन होइथाय ग्राम पंचायत कार्यकाल 5 वर्ष एवं 2000 रु 6000 लोकन को ने 2000 रु 6000 मध्ये रे ग्राम पंचायत रो लोक संख्या सीमित सीमेंट नाही सीमित ओके एवं वार्ड मध्ये 11 रु 25 मध्ये रे एठारे सीमित ए भावे ग्राम पंचायत गठन करा जाए इंग्लिश रे को हाउ ग्राम पंचायत इज फॉर्मड ए ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वेरियस वार्ड्स फ्रॉम एवरी वार्ड ए वार्ड मेंबर इज इलेक्टेड एंड द वार्ड मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट द ग्राम पंचायत एंड द ग्राम पंचायत हैज अ चेयरमैन नोन एज सरपंच एंड डिप्टी चेयरमैन नोन एज नायब सरपंच इफ द सरपंच विल बी द मेल डिप्टी सरपंच विल बी द फीमेल and its term is 5 years and the ward is otherwise known as polis sabha and its meeting is held once in a year in the month of February and the total people of the gram panchayat is known as gram sabha their meeting is held twice one in the month of February other one is in the month of June okay so this gram panchayat is constituted by taking 2000 to 6000 people. The strength of the gram panchayat must be limited within 2000 to 6000 and wards are limited within 11 to 25. Okay, very good. Now see sarpanchankar karyakram sarpanchankar karya hela se ग्राम पंचायत अधिवेशन को आह्वान करती अधिवेशन अध्यक्षता करती ग्राम पंचायत कर्मचारी मानंकु से नियंत्रण निमंत्रण नियंत्रण करती ग्राम पंचायत जो निष्पत्ति ग्रहण करिथाय ताहा किपरि कार्यकारी हेबो से दिथांती ध्यान या सहित ग्राम पंचायत संपत्ति एवं तार विभिन्न प्रकार रेकॉर्ड को जत्न नबा सरपंचंकर दायित्व ओके वेरी गुड इंग्लिश रे को सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सरपंच द फंक्शन ऑफ द सरपंच इज टू कन्वेन द मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत ही प्रिजाइड्स द मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत ही कंट्रोल्स द
employed of the gram panchayat. It is his duty to see how the decisions of the gram panchayat will be implemented. And he is in the charge of the records and the documents and the properties of the gram panchayat. Okay? Very good. ग्राम पंचायत रो बाध्यतामूलक कार्य का कह जाए बाध्यतामूलक कार्य से ही कार्य को कह जाए जहां कि ग्राम पंचायत संपादन करिया पई बाध्य यहां पाकरे संबल कंबल नै संबल माने पैसा यहां पाकरे संबल थाउ कि न थाउ ग्राम पंचायत से कार्य गुड़ी को संपादन करिया पई बाध्य यहां कह जाए बाध्यतामूलक कार्य उदाहरण दियो रास्ता निर्माण रास्तार जत्न रास्तार आलोक व्यवस्था प्राथमिक शिक्षार प्रसार जनसाधारण को सर्वनिम्न स्वास्थ्य सेवा प्रदान जन्म मृत्यु हिसाब यह आमर ग्राम पंचायत बाध्यतामूलक कार्य ये कार्य गुड़ी को ग्राम पंचायत संपादन करिबा जरूरी जरूरी नहीं जरूरी इंग्लिश रे को compulsory functions of the gram panchayat means there are some functions which a gram panchayat is bound to perform even if it will have money or not it will have to perform for example construction of road lighting facility in the road construction of drains provision of primary education provision of minimum health records of birth and death these are the compulsory functions of the gram panchayat Very good. Composition of panchayat samiti. Panchayat samiti kipari gathan kara jaye. Panchayat samiti kipari gathan kara jaye. Panchayat samiti kipari gathan kara jaye. Gote panchayat samiti ro dui prakar sadasya roithanti. Gote hela amaro sarokari, sarokari ebong be sarokari. Gote panchayat samiti ro dui prakar sadasya roithanti. Gote sarokari ebong be sarokari. Sarokari ro artha hela सरकारी कर्मचारी जो माने ब्लॉक स्तर रही थांती पीडीओ एवं अन्य सरकारी कर्मचारी जो माने ब्लॉक स्तर रही थांती जो माने अंकर की भोर दबार क्षमता न था बेसरकारी सदस्य मान को मध्य रहले पंचायत समिति रो सदस्य माने प्रत्येक गुटिए पंचायत समिति रो अधीन रे जते ग्राम पंचायत थांती प्रत्येक ग्राम पंचायत रो जने पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित होई थांती ताले पंचायत समिति रो सदस्य पंचायत समिति रो अध्यक्ष चेयरमैन एवं उपाध्यक्ष डिप्टी चेयरमैन तीन गुटिए पंचायत समिति अधीन रे जित्ते ग्राम पंचायत आसुची प्रत्येक ग्राम पंचायत रो सरपंच चार से पंचायत समिति अधीन रे यदि कोनोसी पौरपालिका बा विज्ञापित परिषद अधिकारी विज्ञापित परिषद अछि सेमानंग अध्यक्ष प्लस से पंचायत समिति जो एमपी एवं एमएलए कर अधीन रे आसुची बा सेमानंकर परिसीमा मध्ये रे रही अछि से एमपी एवं एमएलए ए माने हेले बेसरकारी सदस्य ए माने उनकर वोट द्वार क्षमता रही अछि ओके ताले एहाला पंचायत समिति रो गठन एवं एहार कार्य को निरीक्षण करिया पई सरकार जन अधिकारी पठि जांति तां कहले बीडीओ बीडीओ बा गोष्ठी उन्नयन अधिकारी एई परे हाबरे पंचायत समिति गठन होइता इंग्लिश रे को ए पंचायत समिति इज फॉर्मड बाय टेकिंग टू टाइप मेंबर्स वन इज गवर्नमेंट मेंबर्स अदर वन इज नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स गवर्नमेंट मेंबर आर गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल सॉरी गवर्नमेंट ऑफिसर्स मींस गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ द ब्लॉक लेवल इंक्लूडिंग बीडीओ दे डू नॉट हैव राइट टू वोट अगेन नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर्स मींस मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति from under from every gram panchayat a panchayat samiti member is elected so members of panchayat samiti plus chairman and deputy chairman of panchayat samiti then the sarpanches all the sarpanches under a block then the nec then the chairman of all the nec's and municipalities under a block then MP and MLA who are representing the block, their associate members, and this non-office, non-government, this official, this non-official, this non-official
members have right to vote, but the official members do not have right to vote. So this is how panchayat samiti is formed or constituted. Then what is the functions of the BDO? BDO ngar kaam kon? BDO ngar karya hala kon? BDO odia kon? Gosti unnayan adhikari. Tale eta hala amar panchayat samiti PS. PS ebong report hala sarkar. Tale BDO ra kaam kon? Gosti unnayan adhikari kaam kon? Gosti unnayan adhikari kro प्रमुख कार्य हैला से पंचायत समिति एवं सरकार जी सरकार मध्य रे जोग सूत्र रक्षा करी थांती पंचायत समिति रो समस्या सरकार कोंती सरकार निष्पत्ति पंचायत समिति कोन ताले गोष्ठी उन्नयन अधिकारी बा बीडीओ रो प्रथम कार्य हैला से पंचायत समिति एवं सरकार मध्य रे जोग सूत्र रक्षा करंती पंचायत समिति समस्या सरकार कोंती सरकार निष्पत्ति पंचायत समिति कोंती प्लस पंचायत समिति रो कार्य को से निरीक्षण करी थांती एवं पंचायत समिति रो अध्यक्ष को से गुरुत्वपूर्ण परामर्श दे थांदे प्लस पंचायत समिति रो जों समय रे कि बजट प्रस्तुत हुए बीडीओ से समय रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका करि थांदे निर्वाह ओके टेल मी इन इंग्लिश व्हाट द फंक्शन ऑफ द ग्राम व्हाट द फंक्शन ऑफ द बीडीओ बीडीओ स्टैंड्स फॉर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर The first function of the BDO is that he is the link between Panchayat Samiti and the government. He communicates problems of Panchayat Samiti to the government and he communicates decision of the government to the Panchayat Samiti. And he tenders, he gives, he provides important advices to the chairman of the Panchayat Samiti from time to time. And when the budget of the Panchayat Samiti will be prepared at the time BDO plays a dynamic role. Composition of Jilla Parishad. Jilla Parishad kipari gathan hue. Tale Jilla Parishad kipari gathan hue. Jilla Parishad pratyek jilla re gathan hoithae. Odisha re jehetu 30ta jilla. 30ta jilla parishad roithanti. Jilla Parishad re kipari gathan hue. Na Jilla Parishad dui prakar sahaj roithanti. Gote hela sarkari गोटे हैला सरकारी आ गोटे हैला बे बे सरकारी जिला परिषद दुई प्रकार सदस्य मान को नै गठित होइता है गोटे सरकारी सरकारी सदस्य माने जिला स्तर रो जो माने सरकारी ऑफिसर तथा जिलापाल एवं अन्य सरकारी ऑफिसर माने हेले अधिकारी माने हेले सरकारी ऑफिसर से मानंगर वोट प्रदान क्षमता रहिनो ता एवं बेसरकारी सदस्य मान को मध्ये रहिले जिला परिषद रो सदस्य प्लस जिला परिषद रो चेयरमैन अध्यक्ष उपाध्यक्ष चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन तीन जिला परिषद अधीन रे जेते पंचायत समिति रही अछि से मानंगर अध्यक्ष प्लस गोटे जिला मध्य रे जेति कि ग्राम जेति कि पौरपालिका एवं विज्ञापित परिषद एनएसए रही अछि से मानंगर अध्यक्ष प्लस सेई जिला जेउ एमपी एवं एमएलए को अधीन रे रहू अछि से माने रहियो एमाने हेले बेसरकारी सदस्य एमान को वोट प्रदान क्षमता रही अछि एवं ओडिसा 30 जिला रही थवर 30 जिला परिषद रही अछि इंग्लिश एको ए जिला परिषद इज फॉर्मड बाय टेकिंग टू टाइप ऑफ मेंबर्स गवर्नमेंट मेंबर्स एंड नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स गवर्नमेंट मेंबर मींस गवर्नमेंट लेवल ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे डू नॉट हैव राइट टू वोट देन नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर्स मींस मेंबर्स ऑफ जिला परिषद चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ जिला परिषद देन ऑल द चेयरमैन ऑफ पंचायत समितिस अंडर ए डिस्ट्रिक्ट देन ऑल द चेयरमैन ऑफ एनएससी एंड म्युनिसिपैलिटी अंडर अंडर डिस्ट्रिक्ट देन द एमपी एंड एमएलए हु आर रिप्रेजेंटिंग द जिला परिषद दे आर आल्सो इट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स दीज मेंबर्स हैव राइट टू वोट ओके And this Jilla Parishad is topic 5 years. Very good. Okay, very good. Then we'll discuss functions of district collector. Functions of district collector. Jilla Palan kaam kon? Jilla Pal, this is Jilla Parishad. This is the government. Ji. Jilla Palangar karya hela. The Jilla Parishad ebong sarkar madhyare jogo sutra rakha kari thanti. जिला परिषद समस्या सरकार कहती सरकार निष्पत्ति जिला परिषद को कहती
जिला परिषद एवं सरकार मध्य जिलापाल जोगसूत्र रक्षा करते जिला परिषद समस्या सरकार कहते सरकार निष्पत्ति जिला परिषद को कहते एवं जिला परिषद जो समय बजेट तैयारी हुए आय अटकल तैयारी हुए से समय जिलापाल गुरुत्वपूर्ण परामर्श प्रदान करते प्लस जिला परिषद जे अध्यक्ष जिलापाल अनेक समय गुरुत्वपूर्ण परामर्श देता इंग्लीश को व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जिला परिषद सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन जेडपी जिला परिषद एंड गवर्नमेंट जी ही कम्युनिकेट्स प्रॉब्लम्स ऑफ जिला परिषद टू गवर्नमेंट एंड ही कम्युनिकेट डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू द जिला परिषद इन एडिशन टू दैट ही गिव्स यूजफुल एडवाइसेस टू द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद एंड व्हेन द बजेट ऑफ जिला परिषद इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम जिलापाल और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्लेस ए डिसिसिव रोल प्लेस एन इंपोर्टेंट रोल ओके वेरी गुड प्रथम देखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पंचायत सिस्टम पंचायत राज व्यवस्था लक्ष्य कौन पंचायत राज व्यवस्था लक्ष्य कौन माने ग्राम पंचायत रे ग्राम स्तर रे ग्राम पंचायत पंचायत ब्लॉक स्तर रे पंचायत समिति एवं जिला स्तर रे जिला परिषद ए त्रिस्तरीय व्यवस्था लक्ष्य कौन पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था माने पंचायत राज व्यवस्था ए पंचायत राज व्यवस्था लक्ष्य कौन पंचायत राज व्यवस्था लक्ष्य है स्थानीय समस्या को समाधान करने निम्ते स्थानीय लोक मानंकु क्षमता प्रदान करी था स्थानीय लोक मानंकु स्थानीय समस्या रे संपुक्त करी छमानंकर मध्य रे राजनैतिक सचेतनता सृष्टि करी था ता सहित स्थानीय लोक माने जेते बले स्थानीय समस्या समाधान करिया पई आगे आसीबे सेमानंकर मध्य रे नूतन नेतृत्व सृष्टि होई था या सहित गणतंत्र स्वप्न होई था कार्य ओके सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पंचायत सिस्टम मींस थ्री टायर सिस्टम ग्राम पंचायत इन द विलेज लेवल पंचायत समिति इन द ब्लॉक लेवल जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल दिस पंचायत सिस्टम द फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंचायत सिस्टम इज दैट इट गिव्स पावर टू द लोकल पीपल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम सो इट डेलीगेट्स पावर टू द लोकल पीपल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम बाय दिस लोकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व इन अ बेटर वे Whenever people will try to solve local problems, political consciousness will develop among them. Then, whenever people will solve their problem, a sense of leadership will grow among them. And the objectives of democracy, which is democratic decentralization or division of power, will be materialized. Will be fulfilled. Then, composition of the corporation, Nigam. गुटे निगम किपरि गठन हुए निगम किपरि गठन हुए निगम क्यों शहर रे देखा जाए जो शहर लोक संख्या 3 लक्ष रु बेसी सेई शहर रे निगम देखा जाए निगम केमिति गठन हुए गुटे निगम को विभिन्न वार्ड रे व्यक्त करा जाए गोटे निगम को विभिन्न वार्ड रे व्यक्त करा जाए प्रत्येक वार्ड रा जनसाधारण निज मध्य प्रतिनिधि निर्वाचित करते प्रतिनिधि मैंने आसिकी निगम परिषद या करती अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष डिप्युटी चेयरमैन चेयरमैन डिप्युटी चेयर निर्वाचित करते अध्यक्ष कह जाए मेयर एवं डिप्युटी चेयरमैन उपाध्यक्ष कह जाए उपमेयर डिप्युटी मेयर ओके आउ मेयर कार्य को निरीक्षण करने सरकार जन अधिकारी पठे थे कह जाए कमिशनर से जन आईएएस ऑफिसर से निगम एवं सरकार मध्य जोगसूत्र रक्षा कर निगम समस्या सरकार कहते सरकार निष्पत्ति निगम कही ओके एवं भारत ओडिशा रही होती 5 निगम एवं भारत रही होती 205 निगम ओके वेरी गुड इंग्लिश कहो हाउ द कॉर्पोरेशन इज क्रिएट फंड कंपोज्ड
A corporation is divided into various wards. From every ward, a ward member is elected. These ward members will constitute the council of the corporation. They will elect from among themselves a chairman known as mayor and deputy chairman known as deputy mayor. In a city where the population is more than 3 lakh, in that city there is corporation. And in Odisha there are 5 corporations, in India there are 2005 corporations. This is how corporation is created, formed. Then role of commissioner. Commissioner role kana? This is Nigam, corporation, C Nigam, it is government. G, tahole commissioner kama kana? Commissioner kama hala, C Nigam, ebang sarkar madhare joko sutra rakha kari thanti. Nigamra samasya sarkar koi thanti, sarkar ko nispati Nigam ko janai thanti. Plus, Nigamra karjo kari thanti niyantran. निगमर जो समय रे कि बजेट तयार हुए बायोवे अटकळ तयार हुए से समय रे हमरो कमिश्नर गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करथांति एवं से निगमर जे अध्यक्ष मेयर को अनेक समय रे गुरुत्वपूर्ण परामर्श प्रदान करथांति एवं से जने आईएएस ऑफिसर ताले व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कमिश्नर द कमिश्नर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द कॉर्पोरेशन एंड द गवर्नमेंट ही कम्युनिकेट्स प्रॉब्लम्स ऑफ कॉर्पोरेशन टू द गवर्नमेंट एंड ही कम्युनिकेट डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू द कॉर्पोरेशन ही गिव्स एडवाइसेस टू द चेयरमैन ऑफ द कॉर्पोरेशन हु इज मेयर एंड एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द बजट द कमिश्नर प्लेस ए डायनामिक रोल प्लेस ए पिवोटल रोल प्ले की रोल प्ले की रोल एंड ही इज एन आईएएस ऑफिसर मेयर मेयर हेले आमर निगम अध्यक्ष सी निगम मेयर कार्य हेला से निगम अधिवेशन को आह्वान करती अधिवेशन अध्यक्षता करती निगम कर्मचारी मान को नियंत्रण करती एवं निगम निष्पत्ति किपरि कार्यकारी हो ता ध्यान दे थांती एवं निगम संपत्ति को किपरि रखा जाय परिबो रक्षा करा जाय परिबो से परिप्रेक्ष्य नियंती पदक्षेप इंग्लिश को व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द मेयर द फंक्शन ऑफ द मेयर इज दैट ही कन्वेंस द मीटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन ही प्रिजाइड्स द मीटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन ही ट्राइज हाउ द डिसीजन ऑफ द कॉर्पोरेशन विल बी इंप्लीमेंटेड ही कंट्रोल्स द एम्प्लॉइज ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड ही सीज हाउ द प्रॉपर्टी एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉर्पोरेशन विल बी प्रिजर्व विल बी मेंटेन्ड वेरी गुड नाउ सी फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपैलिटी पौरपालिकार काम कौन पौरपालिकार दुई प्रकार कार्य रही अच्छे बाध्यतामूलक इच्छाधीन पौरपालिकार दुई प्रकार कार्य रही अच्छे बाध्यतामूलक इच्छाधीन बाध्यतामूलक कार्य अर्थ है जो कार्य पौरपालिका संपादन करें बाध्य प्राथमिक शिक्षार प्रसार लोक मान सर्वनिम्न स्वच्छता प्रदान पौरपालिकार रास्ता निर्माण रास्तार आलोक व्यवस्था रास्तार जत्न एवं जनमृत्यु हिसाब बाध्यतामूलक कार्य इच्छाधीन कार्य जो कार्य पौरपालिका संपादन करें बाध्य नुहे ए पाखे संबल दे कै ना यथा उच्च शिक्षार प्रसार पौरपालिकार उन्नत बसस्टाण निर्माण उन्नत पाठागार निर्माण उन्नत संतरण प्रतिष्ठा यह तार इच्छाधीन कार्य सो व्हाट आर द फंक्शन द म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपैलिटी टू फंक्शन compulsory and optional compulsory function means there are certain functions which the municipality is bound to perform provision of primary education provision of minimum health record of birth and death construction of road maintenance of road provision of lighting facility the road optional function means there are certain functions which the municipality is not bound to perform if it will have money it will do otherwise not For example, provision of higher education, establishment of good library, good bus stand, good zoo, good swimming pool. Very good. Then, role of NAC officer. NAC officer on kaam karo. NAC officer eta sarkar. NAC officer on karjo hela. Se NAC ebong sarkar madhyare jogo sutra rakha kari thanti. एनएस रो समस्या बा विज्ञापित पर समस्या सरकार कोंती सरकार निष्पत्ति एनएस को प्लस एनएस रो जे
अध्यक्ष गुरुत्वपूर्ण उपदेश दिखते प्लस विज्ञापित परिषद जो समय बजेट तैयारी हुए से समय एनईसी ऑफिसर एक गुरुत्वपूर्ण निर्वाह भूमिका निर्वाह कर सो व्हाट द फंक्शन एनईसी ऑफिसर द फंक्शन ऑफ द एनईसी ऑफिसर इज दैट ही एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन एनईसी एंड द गवर्नमेंट ही कम्युनिकेट्स प्रॉब्लम्स ऑफ एनईसी टू द गवर्नमेंट ही कम्युनिकेट डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू द एनईसी इन एडिशन टू दैट ही गिव्स यूजफुल एडवाइस टू द एनईसी ऑफिसर सॉरी ही गिव्स useful advices to the chairman of the NAC and at the time of preparation of the budget of the NAC he plays a prime role, key role. Source of income of NAC municipality corporation. Tahale, Pura Palika, Vikyapit Parishad, Pura Palika abam nigam rao. Ayara usha kon. विज्ञापित परिषद पौरपालिका निगम आयर दुई प्रकार उत्स थाए के उत्स प्रथम उत्स क्या सेल्फ रेस्ट निजे अर्जन करते आउ गोटे गवर्नमेंट ग्रांट्स ये विज्ञापित परिषद पौरपालिका निगम दुई प्रकार उत्स थाए आयर दुई प्रकार उत्स थाए दुई प्रकार मध्यम से अर्थ अर्जन करते प्रथम उत्स है से निज अंचल विभिन्न प्रकार कर धार्य करते गाड़ी उपरे करो, सिनेमा उपरे करो, विभिन्न प्रकार प्रदर्शनी उपरे करो, से कर धार्य कर किसी अर्थ आदाय करते प्लस से माने सरकार ठारो किसी अनुदान प्राप्त करते दुईट उत्स से इंग्लीश देखो एनएससी म्युनिसिपैलिटी एंड कॉर्पोरेशन हैव टू सोर्सेस ऑफ इनकम वन इज सेल्फ रेस्ट व्हिच दे रेज बाय देमसेल्फ बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन व्हीकल्स सिनेमा हॉल्स festivals so they raise their income from this again another source is every year they get grants from the government these are the sources of the NAC municipality and corporation okay so we have discussed all these so we have discussed all these sub notes now we'll discuss objective pratham dekhiba arambha kariba very good we'll start now objectives Balavant Rai Mehta committee kebe niyukti karaithila 1956 when Balavant Rai Mehta committee was appointed 1956 when it gave its report 1958 eya nijara report ke pradan karthila 1958 re nijara report pradan karthila number 3 lord ripon क्यों मसीह ग्रामांचल सरकार संपर्क योजना प्रस्तुत करते लॉर्ड रिपन क्यों मसीह ग्रामांचल सरकार संपर्क योजना प्रस्तुत करते 1882 लॉर्ड रिपन टोल्ड अबाउट रूरल गवर्नमेंट इन व्हिच ईयर 1882 त्रिस्तरीय व्यवस्था अन्य नाम कौन पंचायतर व्यवस्था थ्री टायर सिस्टम इज अदरवाइज नोन एज दिस पंचायत सिस्टम देन भारत रे पंचायत राज व्यवस्था क्यों मसीहा रे कार्यकारी होइतिला 1959 मसीहा अक्टूबर 2 तारीख दिन आमर पंचायत व्यवस्था कार्यकारी होइतिला राजस्थान रे पंचायत सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर इन व्हिच स्टेट ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन राजस्थान ओडिशा रे पंचायत व्यवस्था केबे कार्यकारी हेला 1961 मसीहा जनवरी 26 इन ओडिशा पंचायत सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 26 जनवरी 1961 ओडिशा रे ग्राम पंचायत केतो रही अछि 6804 इन ओडिशा हाउ मेनी ग्राम पंचायत आर फाउंड 6804 6804 ग्राम पंचायत रही अछि ओके ग्राम स्तर रे केउ स्थानीय सरकार कार्य करि थाए ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर रे केउ ग्राम पंचायत कार्य करि स्थानीय सरकार स्तर रे ग
स्तर रे क्यों अनुष्ठान कार्यकारी कार्यकारी थाए ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत इज फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट लेवल विलेज लेवल ग्राम पंचायत गठन पाई केते रु केते लोक आवश्यक 2000 रु 6000 मध्य रे ग्राम पंचायत लोक संख्या सीमित ए ग्राम पंचायत इज फॉर्म बाय टेकिंग टेस्ट टू डेस्ट 2000 टू 6000 पीपल ग्राम पंचायत पाई सर्वनिम्न केते वार्ड दरकार एवं सर्वोच्च केते वार्ड दरकार फॉर द फंक्शन ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत द मिनिमम वार्ड विल बी 11 मिनिमम वार्ड विल बी 10 एंड मैक्सिमम वार्ड वार्ड विल बी 10 मिनिमम विल बी 20 11 मैक्सिमम वार्ड विल बी 25 ग्राम पंचायत गठन करिया पई सर्वनिम्न केते वार्ड दरकार सर्वोच्च केते वार्ड दरकार सर्वनिम्न 11 सर्वोच्च 25 नेक्स्ट ब्लॉक स्तर रे क्यों अनुसन कार्यकारी करी था पंचायत समिति इन द ब्लॉक लेवल व्हिच लोकल गवर्नमेंट परफॉर्म्स पंचायत समिति ओडिसा रे पंचायत समिति केते टी 314 हाउ मेनी पंचायत समिति सारे इन ओडिसा 314 पंचायत समिति रो कार्य को निरीक्षण करिया पई केउं सरकारी अधिकार रही थांती वीडियो गोष्ठी उन्नयन अधिकारी टू वॉच द एक्टिविटी ऑफ पंचायत समिति व्हिच गवर्नमेंट ऑफिसर इज फाउंड वीडियो पंचायत राज व्यवस्था सहित केउं संविधान संशोधन संप्रक्त तेस्तरी तम संविधान संशोधन संप्रक्त जहाँकि 1993 मसीह गृहत होता फर द पंचायत सिस्टम हुज कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट इज एसोसिएटेड 73 एमेंडमेंट हुज वाज मेड इन 1993 वेरी गुड पंचायत समिति रो जे अध्यक्ष से प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित ना परोक्ष भाव परोक्ष द चेयरमैन ऑफ द पंचायत समिति इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली सरपंच देश अब निर्वाचित प्रत्यक्ष ना परोक्ष प्रत्यक्ष सरपंच इज इलेक्टेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायरेक्टली ओडिशा रे जिला परिषद केतोटि रही अछि 30 टी इन ओडिशा जिला परिषद आर हाउ मेनी 30 जिला परिषद और नाम क्यों मसीह रे परिवर्तन होइतला 1968 रे तार नाम परिवर्तन होइतला द नेम ऑफ जिला परिषद वा चेंज इन द ईयर इन व्हिच ईयर 1968 1968 मसीह रे तार नाम परिवर्तन होइतला जिला परिषद रो कोन होइतला डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड जिला परामर्श मंडळी द जिला परिषद वा इट्स द नेम ऑफ जिला परिषद चेंज्ड इन द ईयर 1968 इट वाज नोन इन व्हिच नेम डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड ओके वेरी गुड पुनर्बार जिला परिषद नाम जिला परिषद केबे हैला 1991 अगेन इन 1991 द टर्म ऑफ जिला परिषद अगेन व्हिच वाज नोन एज डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड अगेन इट केम टू नोन एज जिला परिषद इन द ईयर 1991 वेरी गुड ओडिशा रे निगम केतोटी अछि 5टी इन ओडिशा हाउ मेनी कॉर्पोरेशन आर फाउंड 5 निगम गठन करिया पे केते लोक दरकार 3 लाख रु बेसी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पोरेशन हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड मोर देन 3 लाख निगम रो अध्यक्ष कोन कहा जाए मेयर द चेयरमैन इन निगम द चेयरमैन ऑफ द कॉर्पोरेशन नोन एज व्हाट मेयर निगमर कार्य को निरीक्षण करिया पे जो अधिकारी थान तांग नाम कोन कहा जाए कमिश्नर द ऑफिसर हु इज इन चार्ज ऑफ द ऑफिसर हु लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ द कॉर्पोरेशन इज नोन एज कमिश्नर वेरी गुड देन ओडिसा रे पौरपालिका केतटी रही अछि
37 how many municipalities are in Odisha? 37. गोटे पौरपालिका केते लोक मु नै तिया 30,000 रु 3,00,000 30,000 रु 3,00,000 ए म्युनिसिपालिटीज फॉर्म बाय टेकिंग मोर देन 30,000 एंड लेस देन 3,00,000 वेरी गुड ओडिसा रे विकामित परिषद केते रा छि 63 इन ओडिसा हाउ मेनी एनएससी आर फाउंड 63 एनएससी केते रु केते लोक मु नै गठित 10,000 रु 30,000 गोटे एनएससी विज्ञापित परिषद 10,000 रु 30,000 लोक मान को नहीं गठित ओके वेरी गुड सहरांचल सरकार सहित सहरांचल सरकार सहित क्यों संविधान संशोधन संप्रक्त चौस्तरी सहरांचल सरकार सहित क्यों संविधान संशोधन संप्रक्त चौस्तरी जहाँकि 1993 मसीह गृहित होता Which constitutional amendment is related with which constitutional amendment is related with the urban governments? 74 amendment which has passed in 1993. Okay, so these are all the short notes and objectives of the second chapter. Of the second unit. राजनीति विज्ञान द्वितीय यूनिट द्वितीय विषय जोटा कि सहरांचल सरकार रही अच्छे ग्रामांचल सरकार रही अच्छे ता सहित आम पाखापाखि 15 सर्ट नोट्स देखिले 31 देखिले ऑब्जेक्टिव्स ओके थैंक यू माय स्टूडेंट्स आई थिंक माय स्टूडेंट्स आर क्लियर Again, we'll be here with a new video. I think my students are clear. Janochin, amar pila mane sab bujhi gale. Puni ame next video re ame nua bishay arambha kariba. Thank you to all. Goodbye to all. Again, we'll be here with the next video. Bye to all.